देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। 1,40,000 की स्मैक के साथ दो आरोपी व दबोचा, एक मोटरसाइकिल भी जब्त की। पुलिस अधीक्षक शिवपुरी श्री राजेश सिंह चंदेल के निर्देशन में शिवपुरी जिले में नशीले पदार्थ, मादक पदार्थ रखने वाले, उसका परिवर्तन करने वाले लोगों के खिलाफ किल ड्रग्स अभियान के तहत लगातार कार्रवाई जारी है। पुलिस अधीक्षक शिवपुरी द्वारा सभी थाना प्रभारियों को इस दिशा में कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके तारतम्य में थाना प्रभारी, फिजिकल इंचार्ज उन्नी विनोद यादव तथा एडी और साइबर टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए दो स्मैक तस्करों को 1,40,000 रुपए की स्मैक के साथ एक मोटरसाइकिल भी जब्त की। उक्त कार्रवाई में SDOP शिवपुरी श्री दीपक सिंह तोमर, थाना प्रभारी, फिजिकल इंचार्ज उन्नी विनोद यादव, निकलेश तुम लकड़ा, लोकनाथ भगत कार्य, वाहक प्रधान आरक्षक सतवीर सिंह, आरक्षक पुष्पेंद्र सिंह, दीपक कुमार, श्याम शर्मा की भूमिका रही। सर, आपके द्वारा ये कार्रवाई की गई, क्या मामला? ये हमें मुखबिर सूचना मिली थी कि दो लड़के एक मोटरसाइकिल पर अवैध स्मैक लेकर करैरा से शिवपुरी आ रहे हैं, तो मुखबिर सूचना पर अपन ने उसको पकड़ा है और स्मैक की कार्रवाई की गई, NDPS की कार्रवाई की गई। ये 14 ग्राम स्मैक है, 1,40,000 रुपये की स्मैक है। दो आरोपी पकड़े गए इसमें। इसके अलावा भी जो और कार्रवाई की जा रही है, 2-3 साल पहले भी जो कार्रवाई हुई है, ये क्या ऊपर से अभियान चला जा रहा है या फिर ये सूचना पे किया? ये अभियान चल रहा है इसमें के ऊपर, किल ड्रग अभियान चल रहा है, जिसके तारतम्य में और हम लोग जगह जगह पर छापेमार कार्रवाई कर रहे हैं और इस संबंध में लगातार कार्रवाइयाँ चल रही हैं। इसमें के अलावा एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जिससे ये मोटरसाइकिल से यहाँ आए शिवपुरी।